हरिओम। क्या बोलूं, अभी तो नए साल के लिए भगवान जी के आशीर्वाद और बरस रहे हैं। दुनिया रो रही है, दुनिया सिकुड़ी हुई आत्मा बनी हुई है। हम विशालता में आए हुए हैं, विशाल आत्मकार है, और रोज रोज हमारा हृदय भगवान जी की तरह सिर्फ दूसरे की भलाई के लिए ही है। दूसरे के आंसू, दूसरे की नीचे नहीं गिराना, पॉजिटिव सोच रखना हमेशा। गुरु ने आके क्या बताया कि पॉजिटिव रखो अपने को, सिर को अपना पांव बना ले, एक एक के आगे नम्रता करो, जो अगला पत्थर जैसे हृदय वाला हो तो पानी हो जाए। नम्रता में ही अमरता है। एक से भी द्वेष होगा तो शांति नहीं आएगी। अपने को रोज 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 मोड़ो, बदलो, फेरो खाओ नाता फुर्जी वेंदा, बदलाव लाओ नहीं तो लुट जाओगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच। अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। बड़ी सोच के क्या फायदे हैं वो मैं आपको सुना रही हूँ, जो मुझे हुए हैं मैं आपको भी बताती हूँ। मैं ये सब सत्संग के बाद की बातें बताती हूँ। मैं जितनी भी कामयाब लोग हुए हैं घर में, परिवार में प्रेम है, शांति है, उनके पास एक ही मंत्र होगा, सोच बड़ी होगी। जितने भी हमारे साधक हैं, जितने भी संसार में बड़े बड़े 5-10% लोग हैं जो सफल हुए हैं, उनका एक ही मंत्र होगा, सोच बदली होगी, सकारात्मक पॉजिटिव सोच। उन्होंने एक ही मंत्र अपना लगाया होगा, ज्यादा भगवान का। अगर आप 10 साल पहले भी वैसे थे, ज्ञान में आने के बाद भी वैसे हैं, तो इसका मतलब सोच नहीं बदली है। जितनी सोच बड़ी है सबसे बड़ा मंत्र उसने लगाया है। गरीब गरीब क्यों है कभी सोचा है? अमीर अमीर क्यों होता जाता है? गरीब मेहनत सबसे ज्यादा करता है लेकिन सोच उसकी छोटी है। छोटी सोच से रहता है इसलिए छोटा ही रहता है, अमीर आगे आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही अध्यात्म की बात कर रही हूँ। जो भी साधु संत है, पैसा है क्या वो अमीर है? कबीर कहाँ रहे? कुटिया में, मट्टी की कुटिया में। बुद्ध महलों से निकल गए, मीरा महलों से निकल गई, और क्या उनके पास पैसा था इसलिए? नहीं, सोच महान थी, परमात्मा को पाना था उन्होंने। मजा उसमें है कि अपोजिशन है हमारे पास, विपरीत वातावरण है, उसमें से सफल होना यह है पार्ट ऑफ लाइफ। विपरीत वातावरण होना पार्ट ऑफ लाइफ है ही है, अपोजिशन है ही, खासकर आज के जमाने में। लेकिन 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 विपरीत वातावरण में से पार हो जाना इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। श्री गणेश इधर से ही होगा ना, सोच से होगा ना श्री गणेश। यही तो कला का पाठ है जो हम सत्संग में आए हैं। भाई भाई, पत्नी पत्नी, सोच छोटी होती है उनके घरों में, देखो क्या है। कभी सोचा है जब शादी होती है तो कमरा कितना सुगंधित भर देते हैं फूलों से, कितनी महक होती है, खुशबू होती है। फिर थोड़े सालों के बाद क्या होता है कि वहां जंडू बाम आ जाते हैं, सर दर्द की गोलियां आ जाती हैं, बिकॉज ऑफ छोटी सोच। अब झगड़े हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है, सब विरोधी हो गए हैं। माँ बाप की, भगवान जी ने बोला बुजुर्ग कब तक, उनकी सेवा से विमुख हो जाते हैं, आशीर्वाद नहीं परसते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे दादा लक्ष्मी भगवान, उन्होंने बोला बहु रानियों को बोलते थे बड़े कब तक है, तेरा ही राज होगा, क्यों नहीं हम दुआएं ले लेते हैं उनसे। सत्संग में आए, सोच छोटी होगी, वो कैसे है, लोहे को बर्बाद कौन करता है, उसका ही जंग उसको जो भीतर से लगा होता है वही खा जाता है। ऐसे ही छोटी सोच वाले इंसान को उसकी छोटी सोच ही खा जाती है। असुरी वाला बोलेगा तेरा जो मेरा, जो मेरा तेरा भी मेरा है, और अच्छी सोच वाला मैं भी तेरा, तू भी मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा। देवता देवता की मदद करते हैं, वो चम्मच बांध देते थे, बताते थे एक दूसरे को खिलाओ, क्या मतलब होता है इसका। ये दृष्टांत सुना होगा अपने सत्संग में। शैतान हमेशा मेरा है, मेरा भी और तेरा भी मेरा है। संत प्रकृति के वाले लोग नहीं होते हैं, दुनिया में रैन बसेरा बनाया हुआ है, निकल रहे हैं, कोई जा रहा है,
दुकानें हैं, ग्राहक हैं, व्यापारी हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, ननद भाभी हैं, देवरानी जेठानी हैं, सास बहू हैं, बाप बेटा हैं, गुरु शिष्य हैं, मित्र हैं, सबके साथ एक ही मंत्र है, सोच को बड़ा रखो, सबके आशीर्वाद बरसेंगे, भगवान जी के आशीर्वाद बरसेंगे। अगर आसान नहीं लगता है तो सोचो, साल के लिए संकल्प ले लो कि मैं एक साल के लिए अपनी सोच को दादा भगवान को खुश करने के लिए, एक साल के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगी, कोई खरी खोटी किसी को नहीं सुनाऊंगी, मैंने गुरु करा है, मेरे भगवान जी हैं, मैं उनका आदर्श रखूंगी। चलो साल नहीं होता, 6 महीने का ले लो, 6 महीने का नहीं होता है 3 महीने का ले लो, 3 महीने का नहीं होता है तो 1 महीने का ले लो, 1 महीने का नहीं होता तो 1 दिन का ले लो प्यारे बच्चों, कि सांझ तक शाम तक मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगी, इतना तो काम कर लो। बड़ी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले, अंतर मन में उनके कितना वातावरण शांत रहता है, शांत है, शांत है, व्यवहार भी शांत है, नजरिया भी शांत है, दूसरों की भलाई के लिए है, नकारात्मक सोच है ही नहीं है उसके पास, नहीं तो पूरी जिंदगी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर संदेह करके रहते हैं, नजरिया ही गलत है, छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन चश्मा काला पहना हुआ है। ये बहुत प्यारा है दृष्टांत, आपने सुना हो, एक बार बुद्ध को एक कजन जो थे आनंद, उनके अभी शिष्य बन चुके थे, प्रेम और शांति के वो दूत बन चुके थे, तो बुद्ध भगवान को बोला अभी मैं उस गांव में जाऊं, मैं वहां प्रेम शांति नहीं है तो मैं वहां जाके प्रेम फैलाऊं। बुद्ध ने पहले उसका देखना चाहा, परीक्षा लेनी चाहिए, बोलो नहीं नहीं नहीं, वहां लोग गालियां देंगे, हाथापाई होगी, तो अगर उन्होंने हाथापाई करी तो क्या करोगे, बोलोगे, बोले मैंने कितने भले के लोग हैं, हाथापाई करी कहीं पत्थर तो नहीं मारे, लकड़ियां तो नहीं मारी है। बुद्ध ने कहा क्या पता लोग अगर ये भी करें, लकड़ी मारे, हाथापाई करें, फिर मैं बोलूंगा भगवान मेरे कितने अच्छे लोग हैं, इन पर कितना भरोसा है कि इन्होंने मुझे मारा तो नहीं पूरी तरह से, कोई छुरा या भाला तो नहीं मारा है। तो बुद्ध ने बोला अगर भाला और छुरा मार दिया तुम्हारी जान चली गई। बुद्ध ने कहा मैं बोलूंगा कि वाह भगवान, ये कैसे प्यारे लोग हैं, अपनी प्रेम शांति के लिए उन्होंने मेरा बलिदान ले लिया, मुझे मार डाला। बुद्ध बोलते जा, तू तो परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया, आराम से जाओ तुम। जिसके भीतर इतनी महान सोच आ जाए गुरु करने के बाद, बताओ वो कहीं भी फिट हो जाएगा, और हम छोटे से घर में फिट नहीं होते हैं अभी तक। अपने से अमीर को देख के हम रो रहे हैं, ये ज्यादा क्यों है, इसके पास तो गाड़ी क्यों है, इसके पास ऐसा क्यों है। वो सुना होगा जो एक बार बहुत तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, लॉर्ड शिवा प्रकट हो गए, बोलो क्या मांगता है, बोलता जो तू चाहेगा वो तुझे मिलता जाएगा, बोलता वाह लेकिन तेरे को पड़ोसी को डबल मिलेगा। ओहो हो, उसने क्या मांगा, उसने एक फ्लैट मांगा पड़ोसी को 2 मिले, उसने एक कार मांगी पड़ोसी को 2 कार मांगी, जो जो चीज मांगता था वो पड़ोसी को डबल मांगते मिलती थी। एक बार क्या हुआ, फिर गया भगवान के पास, भगवान तो मिले नहीं, एक वकील के पास गया, इसलिए बोलते वकीलों के पास कम जाया करो, लुट जाओगे तुम। वकील ने उसको प्रॉब्लम बताई कि क्या करो, जो चीज मेरी होती एक होती उसके पास, बोलते चल तेरी प्रॉब्लम का हल करता हूँ। सुनिए जरा, हम कितना बुरा सोचते हैं दूसरे के लिए। वकील ने बोला तू बोल भगवान मेरी एक आंख चली जाए तो पड़ोसी की दोनों चली जाएंगी, और उसने मांगा ये कि मेरी एक आंख चली जाए, उसकी पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। कैसी सोच है हमारी देखो जरा। बोलते हैं जिंदगी जलेबी की तरह होती है, इसका मजा ले लो, जहाँ तो रसगुल्ले की तरह बना लो, रस जितना भी रस निकालोगे वो फिर अपनी शेप में आ जाएगा, वो भूल जाता है अपनी शेप, रस निकाल दो फिर सेम बन जाता है। जहाँ लड्डू से सीखो, छोटी छोटी बूंदी इकट्ठे करके बेसन से सीखो, कि पता है कि दबाव डाल के ये लोग डालेंगे, मैं बिखर गया हूँ, फिर ये दबाव डाल के मेरा बना देंगे, लड्डू बना देंगे। पॉजिटिव सोच है ना ये सारी। हम कचरा डालते हैं अपने दिमाग में, हमारी डाइट क्या है, इसलिए तो सत्संग से पॉइंट लेते थे हम।
अगर कोई छोटा आदमी इतना गिर जाता है, आप ध्यान से सुनिए, घर में भी अगर छोटा ऐसा कोई इंसान है जो आपको इतना गिराता है, इतना गिर जाता है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, आप उतना ही ऊपर उठ के दिखाओ तो मजा आ जाए कि हम दादा लक्ष्मी भगवान के बच्चे हैं, है ना, मजा आ जाए, हम उतना ही ऊपर उठ के उसको बताएं कि हम कौन हैं। कर लीजिए, क्या जाता है, क्यों अपने को कंपेयर करें किसी से, क्यों ऐसा करें, कितनी चीजें हैं भगवान जी ने जो बताई हैं हमें, थॉटलेस होकर रहो, सोच विचार ज्ञान अज्ञान सब भुलाकर सबसे प्रेम की भावना रहो, हल्के हो जाओ, ये है पुरुषार्थ। द्वेत जाएगा तो संकल्प विकल्प भी नहीं चलेगा, तुम आत्मा का निश्चय करो तो मुक्ति तुम्हारी पानी भरने वाली नौकरानी बनकर आकर खड़ी होगी, कोई भी भोग तुम्हें खींच नहीं सकता है अपनी ओर, यदि तुम अपने में स्थित हो जाओ, सोच अपनी अच्छी रखो, सूखे पीपल की तरह शरीर की फिक्र छोड़ दो। अब देखो कितनी पॉजिटिव सोच में हम रहेंगे, है ना। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।